हेलो दोस्तों, पेपाल इंडिया बंद हो रहा है। फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ 2021 पेपाल इंडिया जो है अपने ऑपरेशंस इंडिया में बंद कर देगा। ठीक है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो पेपाल है, अगर आप पेपाल पे यूज़र हैं और आप बाहर से पैसे रिसीव कर रहे हैं या आप बाहर पैसे सेंड कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो बोल रहे हैं कि सर पेपाल तो बंद हो रहा है, तो आप पेपाल पेमेंट मेथड क्यों बता रहे हैं। तो आपको ये डिफरेंस समझना होगा कि पेपाल जैसे पहले काम करता था वैसे काम करेगा, बट वो अपने इंडियन ऑपरेशंस बंद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि आप जब पैसे बाहर से लाएंगे, किसी अदर कंट्री से, आप फ्रीलांसर हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं बाहर कंपनीज में, ठीक है, तो वहाँ से जो पेमेंट आप लेते हैं वो पहले की तरह ही बहुत आसानी से ले पाएंगे, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट किसके लिए दिक्कत आएगी? दिक्कत उनके लिए है जो कि इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, जो कि इंडिया में पेपाल का बटन यूज़ करते थे पेपाल से पेमेंट रिसीव करने के लिए विद इन इंडिया। ठीक है, तो वो वैसा नहीं कर पाएंगे, वो सर्विसेज पेपाल बंद कर रहा है। ठीक है, या फिर आप इंडिया में पैसे भेज नहीं सकते हैं, इंडिया से ही पैसे रिसीव नहीं कर सकते, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप बाहर काम कर रहे हैं, बाहर किसी कंपनी से जुड़े हैं या आप फ्रीलांसर हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपाल से आप पहले की तरह काम कर सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं। और आपने बहुत सारे मैसेज देखे होंगे जो मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, पेपाल इज शटिंग डाउन इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल। जी हाँ, वो शट डाउन कर रहा है बट अपने इंडियन ऑपरेशंस बंद कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली वही रीज़न हो सकता है, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप पैसे रिसीव करते हैं बाहर से। तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी ये समझ लें कि आप पेपाल में अकाउंट बना सकते हैं, वहाँ से मनी रिसीव कर सकते हैं डॉलर्स में। ठीक है, और मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कि कैसे आप पेपाल का अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से पूरा पेपाल का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पेपाल बहुत ही जेन्यून कंपनी है और वो बहुत ही लंबे समय से सर्विसेज दे रही है, तो आप उस पर आराम से अकाउंट बनाएं और मनी रिसीव करें। और अगर कोई क्वेरी हो आपको पेपाल से रिलेटेड, तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब देंगे। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि पेपाल इंडिया से क्यों बंद हो रहा है, क्यों क्लोज डाउन कर रहा है अपने सर्विसेज। तो एक न्यूज़ आया था, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सुनाता हूँ। पेपाल फाइन ₹96 लाख फॉर वायलेटिंग इंडिया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेसेस। ओके, तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उसके ऊपर 96 लाख का फाइन के लिए एक्शन लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट FIU एन एजेंसी अंडर यूनियन फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, ये एजेंसी है जिसने एक्शन अगेंस्ट एन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ऑपरेटिंग इन द कंट्री लाइक इट हैज़ डन अगेंस्ट पब्लिक प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव बैंक इन द पास्ट। जिस तरह से बैंक्स के ऊपर भी एक्शन पहले लिया गया है, ठीक है, उसी तरह पेपाल के ऊपर इम्पोज किया गया 96 लाख पेनल्टी बाय द FIU फॉर अलेज्ड कंट्रावेंशन ऑफ द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉ है उसके तहत, ठीक है, अक्यूज ऑफ कंसीलिंग सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड अबेटिंग डिस इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को धोखाधड़ी के लिए उस पर फाइन लगाया गया है। तो ये एक मेजर रीज़न हो सकता है उसका अपने आप सर्विसेज बंद करने का। ठीक है, तो ये मेरा स्पेकुलेशन है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो आई होप कि आप सच्चाई जान पाए होंगे कि आप जो पहले की तरह ही मनी रिसीव कर सकते हैं और पेपाल के साथ काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों मैं हूं नीरज विजय और मैं हर दिन आप लिए एक नया वीडियो लेकर आता हूं जिसमें मैं मनी अर्निंग के बारे में बताता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगता हो कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, बाय बाय।